इस वक्त हम मौजूद है वेस्ट विनोद नगर इलाके में, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया छठ घाट का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो वेस्ट विनोद नगर का इलाका है, यहां पर पार्क के अंदर छठ घाट बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। बाकायदा घाट जो है वो बनाया गया है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर सजाया गया है। तो साफ है कि जिस तरह से आज छठ का महापर्व है, आज ढलते सूरज को अर्घ दिया जाने वाला है, तो उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री जगह जगह पर छठ घाट का जायजा लेने के लिए निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो यहां पर घाट का जायजा ले रहे हैं। और इसी तरह से ये पूर्वी दिल्ली की हर जगह पर जाएंगे और वहां पर जाकर छठ घाट का जायजा लेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाकायदा जो घाट है वो बनाया गया है। शाम के वक्त यहाँ पर काफी तादाद में लोग जो है वो पहुंचेंगे, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही है। सिक्योरिटी की व्यवस्था भी यहाँ पे पुख्ता की गई है, पूरे छठ घाट को जो है वो सजाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1100 छठ घाट है जहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर जो है छठी मैया की पूजा करेंगे और आज ढलते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो साफ है कि जिस तरह से आज छठ मनाई जा रही है उसी को देखते हुए हर जगह जायजा जो है वो लिया जा रहा है। आज ढलते सूरज को अर्घ दिए जाना है तो आज यहाँ पर आकर लोग पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। मनीष जी, आप जायजा लेने आए, तैयारियों को देखने आए हैं, छठ पूजा की बहुत कम समय मिला था आप लोगों को तैयारियों को करने में, तो क्या आप संतुष्ट पूरी तैयारियों से? और क्या नहीं, बस छठी मैया का आशीर्वाद है और छठी मैया के आशीर्वाद से पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। आज शाम को इन इलाकों में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, हर जगह लाखों लोग आएंगे। यमुना किनारे कई लाख लोग आते हैं और उनके अलावा पूरी दिल्ली में जो इस तरह के घाट हैं अलग अलग पार्कों में बने हुए हैं वहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ में छठ मनाते हैं। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है और आप देख भी रहे हैं कि कितना खूबसूरत माहौल, एकदम त्यौहार का माहौल बनाया गया है जिससे यहाँ आने वाले लोगों को अच्छा लगे, एक अच्छा फील हो कि सरकार उनके लिए एक अच्छी तैयारी कर रही है। क्या तैयारियां क्या की गई हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा? नहीं, पूरी दिल्ली में करीब 1100 इस तरह के घाट हैं यमुना के घाटों सहित और हर जगह जैसा मैंने कहा लाखों लोग आएंगे। यहाँ पर भी इस वाले घाट पे मैंने देखा कि साफ पानी की व्यवस्था है, लोगों के बैठने की है, मार्किंग की गई है बाकायदा जिससे किसी तरह की मिसमैनेजमेंट ना हो। और साथ साथ में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी चलते रहेंगे, बाहर प्रसाद वितरण और क्राउड मैनेजमेंट का पूरा है। यहाँ पे इन्होंने वॉर रूम, कंट्रोल रूम वगैरह बनाए हुए हैं, एक एक आदमी को लगा के सिक्योरिटी के लिए लोगों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो हर तरह से एक सुरक्षा के वातावरण में एक बहुत व्यवस्थित तरीके से लाखों लाखों लोगों के आस्था से जुड़े हुए इस पर्व को हम सब लोग मना सकें, ये हमारी कोशिश। ये कल जो अगली छठ होगी, क्या ये एक दावा हो सकता है, एक वादा हो सकता है दिल्ली सरकार का कि पॉल्यूशन फ्री और पॉल्यूटेड वाटर फ्री छठ होगी अगली? छठी मैया की कृपा रही तो पॉल्यूशन फैलाने वाले लोग उनकी भी बुद्धि ठीक होगी और जो पॉल्यूशन पे काम करने से सरकार को रोकते हैं, जो केवल और केवल टांग अड़ाते हैं उनको पॉल्यूशन खत्म करने से मतलब नहीं है, उनकी भी बुद्धि ठीक होगी और बिल्कुल दिल्ली पॉल्यूशन ठीक है।